Hello, welcome to my channel Dilraj Tour. I am a fourth year MBBS student. आज का जो टॉपिक है बात करने का वो था कि एम्स में सुसाइड्स इतने क्यों होते हैं. आप यकीन नहीं करोगे कि एम्स में हर एक साल 2 से 3 सुसाइड्स हो जाते हैं. रिसेंटली 2 मंथ्स के अंदर अंदर 3 सुसाइड्स हो गए. फर्स्ट तो था अनुराग कुमार जो जूनियर रेजिडेंट फर्स्ट ईयर साइकेट्री में थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो. एम्स में भी अंडर 30 नीट पीजी में रैंक आई थी और इन नीट यूजी भी उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. तो उन्होंने भी छत से कूद के सुसाइड कर लिया था. और अभी रिसेंटली 5 दिन पहले विकास, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलुरु, उन्होंने भी सुसाइड किया है. एंड रिसेंटली अ 40-year-old पेडियाट्रिशियन डिड सुसाइड. तो ऐसा क्या है एम्स में कि वहाँ पे ऐसा क्या माहौल है जो डॉक्टर्स को पुश करता है कि अपनी लाइफ से वो दूर चले जाएं, अपने पेरेंट्स को भूल जाएं, अपने सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी करीबी है उनके जिनके साथ वो अटैच हैं, दे फॉरगेट देम सेल्फ. तो ऐसा क्या है एम्स में. 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी प्लेसिबो नाम से, जिसमें एम्स के अंदर रहकर ही उसके जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने वो बनाई है, उन्होंने 2 साल वहाँ रहे और जो भी बच्चों के थॉट्स हैं वहाँ पे वो उसमें डॉक्यूमेंट्री में इनकल्केट किए हैं. पहले तो वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई लेकिन अब वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. यू कैन सर्च इट, प्लेसिबो नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का. उसमें सारा कुछ आपको क्लियरली पता चलेगा. मैं भी काफ़ी टाइम से इंटरनेट पे जितने भी मेरे रिसोर्सेज थे आई डिड रिसर्च और जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं कि वहाँ पे इतना सुसाइड रेट क्यों है. सुसाइड रेट तो MBBS में वैसे ही थोड़ा सा शेड्यूल एक्टिक होता है. ऐसे नहीं है कि सिर्फ एम्स में सुसाइड्स होते हैं, इन अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कोई भी चाहे प्राइवेट हो सुसाइड रेट है MBBS में है. बट एम्स बीइंग ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट वो हाईलाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता है. तो क्या है ऐसा. पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे जो मुझे मिला कि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है. वहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे होते बट फिर भी फ्रेंड्स आपको हर एक दिन ऐसा ही लगता रहेगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, आगे जाके मैंने इसको हराना है. तो ऐसे एक फ्रेंडशिप वाली वहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी सी मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर्ड विद अदर कॉलेजेस वहाँ पे कम होती है. तो आदमी को एक लोनलीनेस सी थोड़ी सी ज़्यादा होती है. और क्या है कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, कॉन्टीन्यूस प्रेशर टू आउट परफॉर्म अदर्स. आप जब सेलेक्ट हो जाते हो MBBS में, कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाते हो, तो एक टैग लग जाता है आपके ऊपर. आपके कॉन्टीन्यूसली एक बर्डन रहेगा कि आपको आउट परफॉर्म करना है. तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी जो डेली की लाइफ है वो भूल जाते हैं, हमें खेलना कूदना ये सारा कुछ बंद कर देते हैं. एम्स में भी कुछ ऐसा ही है. उनके ग्राउंड्स इतने कुछ खास बड़े नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी स्पोर्ट्स लाइफ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है. मेडिकल कॉलेजेस में वैसे ही कम होती है थोड़ी स्पोर्ट्स लाइफ. तो स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर इन मेजरली इन स्पोर्ट्स, कि आपका जो स्ट्रेस है आप उसको रिलीव कर सको, तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए. और एम्स में थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम वाला एक फैक्टर काफ़ी आ जाता है कि आपको कॉन्टीन्यूसली कास्ट सिस्टम के बेस पे भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशंस थोड़े लगते आ रहे हैं वहाँ पे. तो ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि कॉम्पिटिटिवनेस में कास्ट सिस्टम वाला फैक्टर, तो ये भी एक फैक्टर आप मान सकते हो. अदर थिंग क्या है कि जो भी एम्स दिल्ली में स्टूडेंट्स आते हैं वो इंडिया के अलग अलग स्टेट से आते हैं, साउथ से भी आएंगे, नॉर्थ से भी आएंगे. तो वो मोस्टली अपने घर नहीं जा पाते, तो वहीं हॉस्टल में ही रहते हैं. तो उनकी एक जो पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग है वो भी थोड़ा बहुत मतलब घर ना जाने की वजह से वो होम सिकनेस फैक्टर ज़्यादा होता है. अगर मान लो आप अपने स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में हो तो आप वहाँ पे अपने घर इजीली जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, पर वो थोड़े से एज़ कम्पेयर्ड कि ज़्यादा डिस्टेंस वाली जो स्टेट से आते हैं, तो वो एक होम सिकनेस का भी फैक्टर वहाँ पे प्ले करता है. तो ये थोड़ी सी बातें हमने करी हैं. होप कि आगे सारा मतलब सिस्टम ठीक रहे, कोई भी हमें आगे दुखद घटना सुनने को ना मिले. और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको होप सो कि यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.
आगे भी हम मेडिकल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे डालते रहेंगे। जो आपको पसंद हो वीडियो जिस टॉपिक पे हम बनाएं, यू शुड कमेंट इट डाउन। थैंक यू।